सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन किस तरह की ड्रग है, मार्केट में कौन-कौन से ब्रांड्स इसके आते हैं, इसके अलावा क्लिनिकली कौन सी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है और क्या-क्या साइड इफेक्ट्स लोगों को हो सकते हैं अगर वो एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन की क्लास से बिलोंग करने वाली ड्रग है, यानी दरअसल ये एक पेनिसिलिन है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एमोक्सिल के नाम से ब्रांड अवेलेबल है, ओस्पामॉक्स इसकी अवेलेबल है, और ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन तो आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर खाई होगी, बहुत ही कॉमन ड्रग है ऑगमेंटिन। इसमें अमोक्सिसिलिन होती है, साथ में क्लेवुलोनिक एसिड शामिल है। सो बेसिकली अमोक्सिसिलिन के बारे में हम बात करेंगे। देखें जाए तो एमोक्सिसिलिन के ओरल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, यानी आप ओरली पी सकते हैं। 125 ml का, 200 ml का, 250 ml में और इवन 400 ml में भी, mg में भी ये अवेलेबल है। फिर कैप्सूल्स, अगर आप कैप्सूल देखना चाहें, 250 mg और 500 mg की कैप्सूल्स भी इसकी अवेलेबल होती हैं। फिर टैबलेट्स में भी ये आती है, ऑगमेंटिन की टैबलेट होती है 500 mg, 875 mg, इवन 1000 mg की टैबलेट भी अवेलेबल है। और फिर कुछ च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं, 125 mg और 250 mg की च्यूएबल टैबलेट्स, यानी आप उनको च्यू कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि या तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन जो आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये लेंगे, या जो पेशेंट के लिए कंप्लाइंट हो। अगर आप टैबलेट नहीं ले सकते तो आप ओरल सोल्यूशन भी तो ले सकते हैं, या आप कैप्सूल ले सकते हैं। मेन चीज, ऑगमेंटिन काम कैसे करती है, यानी कि एमोक्सिसिलिन का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से बैक्टीरिया को किल करती है। फर्ज कीजिए आपके पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल बनाने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए होता है एक छोटा सा एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ये छोटा सा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए यूज होता है। आपकी जो ड्रग्स है ना, वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देती हैं। अब जब ट्रांसपेप्टाइडेज ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जब सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया मर जाएगा। सो इस तरीके से जो आपकी ड्रग्स हैं लाइक एमोक्सिसिलिन, वो बैक्टीरिया को किल करती हैं और आपको एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। उसके बाद क्लिनिकली कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले तो जो इन्फेक्शंस होते हैं एयर के, नोज के, थ्रोट के, यानी कान के, गले के, रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए एमोक्सिसिलिन बहुत अच्छी ड्रग है। तो डिपेंड करता है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, तो 500 mg की ड्रग भी काम कर जाती है, दिन में 2 बार ले सकते हैं, या 250 mg की ड्रग ले रहे हैं तो दिन में 3 बार लेते हैं। सीवियर इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर काइंड का है, तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा डोज लेंगे, 875 mg की ले लेंगे, या इवन 1000 mg या 500 mg तक भी ले सकते हैं। और इसका एक कोर्स होता है 2 हफ्तों तक, यानी 10 से 14 दिन तक मुसलसल आप ये ड्रग लेते रहेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास है जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, यानी जिन लोगों को जेनिटो यूरिनरी यानी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो जाएं, माइल्ड होंगे तो यानी 500 mg की ड्रग लेंगे, सीवियर होंगे तो 875 या फिर 1000 mg की भी आप जो है ड्रग ले सकते हैं। फिर स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर, यानी जिल्द के ऊपर अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, 500 mg की ड्रग लेंगे या 250 mg में लेंगे तो दिन में 3 बार ले ली जाएगी। सीवियर इन्फेक्शन होंगे तो 875 से लेके 1000 mg तक आप ड्रग ले सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार लेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी लंग्स के, फेफड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या करेंगे, 1000 mg की ड्रग भी ले सकते हैं और 500 mg की भी ड्रग ले सकते हैं। 10 से 14 दिन का ये कोर्स पूरा करना होता है। और एच पाइलोरी, जो कि आपके स्टमक के अंदर जख्म पड़ जाता है, जिसको कहते हैं अल्सर। अल्सर कौन कॉज करता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से अल्सर हो जाता है। तो फिर अल्सर के लिए एक प्रॉपर थेरेपी है, ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रपल थेरेपी, जिसमें 3-4 ड्रग्स एक साथ जाती हैं, एक उसमें पेंसिलिन भी होती है।
ट्रिपल थेरेपी जैसे आप देख सकते हैं, तो अगर पेंसिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000 mg की ड्रग इस्तेमाल करते हैं फॉर 12 आवर्स, यानी कि दिन में दो बार इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 14 दिन तक कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। और कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाई डोज में भी आ रही है, तो वैसे फ्रीक्वेंसी इसकी डिफाइंड नहीं है कि लाजमन होंगे या लाजमी आपके अंदर होंगे या कितने ज़्यादा या कितने कम होंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जैसे एनाफाइलेक्सिस, ये तो तब होता है जब आपको सीवियर काइंड ऑफ एलर्जी हो। एनीमिया कभी कभी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत खून में कमी, लिवर के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, AST और ALT के लेवल थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि ये ड्रग आप ले रहे हैं, ड्रग लिवर से मेटाबोलाइज होती है। अच्छा, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, डायरिया हो सकता है, अक्सर एंटीबायोटिक्स के साथ डायरिया कॉमन है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है, निमतली होना, उल्टी आना, जिल्द के ऊपर रैशेस पड़ सकती हैं, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस यानी लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन, या सीरम सिकनेस अगर वो किसी को एलर्जिक कंडीशंस हैं तो फिर वो पेनिसिलिन को थोड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। ओवरऑल ड्रग बहुत ही सेफ है, हमने बात की एमोक्सिसिलिन की। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एमोक्सिसिलिन से रिलेटेड, कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो देने का बहुत बहुत शुक्रिया।